पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय राज्य महिला आयोग क्या होता है, इसकी क्या शक्तियां हैं, कौन इसमें शिकायत कर सकता है, इसका गठन कौन करता है, इन सब विषयों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। इसके पहले निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन को भी आप दबा दें, जिससे कानूनी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, राज्य महिला आयोग की जो स्थापना है, इसका गठन राज्य सरकारें करती हैं। प्रत्येक राज्य में एक महिला आयोग होता है। राज्य महिला आयोग का कार्य जो भी महिलाओं से संबंधित कानूनी सुरक्षा है, उसमें उनके साथ की गई कोई घरेलू हिंसा हो सकती है, दहेज हो सकता है, बलात्कार संबंधी कोई अपराध हो सकता है, अपमानजनक कोई सती प्रथा वगैरह उनसे कराई जाती है, सील भंग किया जाता है, तलाक की स्थिति में बच्चों के मेंटेनेंस आदि तथा महिलाओं से संबंधित समस्त अपराधों के लिए यह आयोग बनाया गया है। इस आयोग में कोई भी महिला अपनी शिकायत प्रेषित कर सकती है। जो मामले न्यायालय में लंबित हैं या पहले से राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष लंबित है, ये इसका अपवाद है, उन मामलों को ये महिला आयोग राज्य का सुनवाई नहीं करेगा। इसके लिए शिकायत A4 साइज के पेपर में की जाएगी और उसको व्हाट्सएप से या रजिस्ट्री से आप उस सादा कागज में A4 साइज के में लिखकर ऑनलाइन अपना पता, नाम, डिटेल, विपक्षियों का नाम, पता, अपना आइडेंटिटी संबंधी कोई भी कार्ड और कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपके पास कोई साक्ष्य है तो उसके साथ आप शिकायत को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि महिला आयोग के क्या क्या अधिकार और शक्तियाँ। दोनों पक्षों को महिला आयोग शिकायत जब उसको मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद नोटिस इश्यू करेगा, जिसमें पारिवारिक विवाद यदि है तो उसे समझौते के द्वारा निपटाने का सबसे पहले प्रयास किया जाता है। उसमें महिला आयोग सिविल न्यायालय की उसको शक्ति है, वारंट भी जारी किया जा सकता है, महिला से संबंधित सुधार हेतु परामर्श भी दिए जा सकते हैं राज्य सरकार को यदि आवश्यक समझा जाता है। पक्षकारों को भी इस तरह के परामर्श दिए जाते हैं और सिविल न्यायालय की शक्ति यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियों के तहत उन्हें सम्मन जारी करने, दस्तावेजों को बुलाने, साक्ष्य लेने, कमीशन पर बयान लेने आदि की सभी शक्तियां इनको होती हैं। और ये जो अपनी रिपोर्ट देते हैं ये संबंधित पक्षकारों को भी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस इनके फैसले से असंतुष्ट है तो राज्य के उच्च न्यायालय में अपना रिट या वाद दायर कर सकता है। इसमें योग्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो कानून विधि से भी संबंधित होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। राज्य महिला आयोग को इसके लिए सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए इसमें आयोग को सुविधाएं नए स्तर की देना आवश्यक है, जिससे महिलाओं से संबंधित सभी विवादों का हल अच्छे ढंग से कर सकें। तो इस प्रकार ये एक विधि आयोग है, राज्य महिला आयोग विधि आयोग है या विधिक आयोग है। महिला द्वारा की गई शिकायत या स्वयं सो मोटो भी इनको कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है और इस प्रकार महिलाओं के साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा, उसका अपमान, बलात्कार, दहेज से संबंधित मामला, सती प्रथा से संबंधित, शील भंग से संबंधित, तलाक की स्थिति में बच्चों की कस्टडी से संबंधित सारे मामले जो भी महिला से के सम्मान से संबंधित हैं, किसी भी तरह के मामले जो राज्य महिला आयोग के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग में लंबित नहीं है या सिविल न्यायालय में लंबित नहीं है, उनकी ये सुनवाई कर सकते हैं। और मैंने आपको शिकायत का प्रोसीजर भी बताया। तो इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य महिला आयोग के समक्ष विधिक आयोग होने के कारण महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और उन्हें कानूनी सुरक्षा के लिए ये आयोग बनाया गया है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर अवश्य करें, अपने समाज के अन्य लोगों को, परिचितों को, साथ ही दोस्तों को अवश्य भेजें, जिससे सभी को महिलाओं से संबंधित कानूनी उपचार, संरक्षण, कौन से उनके अधिकार हैं, उनकी जानकारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।